My name is Mr. Gary Nelson. से यहाँ पे खुसूसी ट्रेन का फ्लैग ऑफ किया गया। ट्रेन आगे जाती है, एक खुशी का अवसर है। आपको याद होगा चेयरमैन देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस दिन और आज बाजार का उसका काटा जा रहा है, फ्लैग ऑफ किया जा रहा है। एक दफा फिर जोरदार तालियां। ट्रेन आगे चलती हुई, इस ट्रेन को अगर हम देखेंगे, ये ट्रेन यहाँ चलती होने के बाद जम्मू कश्मीर के मामले में उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी को और उनको ये पेश कर रहे हैं। मैं गुजारिश करना चाहूँगा श्री जनाब जनरल बत्तू साहब और सुनने के बाद डीसी जम्मू कश्मीर पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यूनियन टेरिटरी को सर रुको ही नहीं कुंजाइत कार क्या निश्चा संजीव का स्वागत करते हैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर त्रिपुरा के सुशांत चौधरी साहब में प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा फोकस है। हम सब जानते हैं कि 9 वर्षों में करीब 60 से अधिक बार प्रधानमंत्री जी नॉर्थ ईस्ट जा चुके हैं और ये अगर इससे पहले के सभी प्रधानमंत्रियों का टोटल भी कर दें तो भी उससे ज्यादा कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर उपस्थित सभी सम्मानित। ये 2 महीने में दूसरा कार्यक्रम है रेलवे का। अभी कुछ दिनों पहले बडगाम स्टेशन पर हम सब उपस्थित थे और उस दिन जम्मू कश्मीर के 3 रेलवे स्टेशन का मैं कहूँ कि पुनर्निर्माण और नए प्रकार का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्टेशन बनाने का काम प्रारंभ हुआ और आज फिर से दोबारा हम उपस्थित हैं श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर
मैं माननीय प्रधानमंत्री जी तथा भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। देश के अमृत काल को जम्मू कश्मीर का स्वर्णिम काल बनाकर एक युगांतकारी परिवर्तन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। अपने विजन के कारण जम्मू कश्मीर चौमुखी विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ समर्पित है। स्टेट ऑफ द आर्ट विस्टाडोम कोच का लोकार्पण अभी कुछ समय बाद होगा। पहले जो सुविधाएं विदेशों में उपलब्ध थीं वो सुविधाएं अब जम्मू कश्मीर के नागरिकों को भी सुलभ होंगी, एक्सेसिबल होंगी। मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है और इसलिए मैं मानता हूं कि विकास भी विरासत भी के जिस संकल्प के साथ जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है उस यात्रा में आज का यह दिन निश्चित रूप से याद रखा जाएगा। विस्टाडोम कोच की बड़गाम से बनिहाल की यात्रा सही मायनों में एक लंबी छलांग है। यह अत्याधुनिक सुविधा बदलते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों की नई आकांक्षा का प्रतीक है और मैं इस मॉडर्न ट्रेवल एक्सपीरियंस के साधन के लिए जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों तथा देश के अन्य हिस्सों से आने वाले पर्यटकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। G20 का जिक्र अभी वैष्णव साहब कर रहे थे। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की ऐतिहासिक श्रीनगर बैठक के बाद से जम्मू कश्मीर में नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है। आज जम्मू कश्मीर को लोग बड़े सम्मान से देख रहे हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विदेशी पर्यटकों की संख्या उस बैठक के बाद पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष 350% की वृद्धि हुई है। डोमेस्टिक टूरिज्म में जम्मू कश्मीर ने पिछले वर्ष 1.88 करोड़ पर्यटकों को होस्ट करके एक नया रिकॉर्ड बनाया था और इस साल सितंबर तक यह आंकड़ा 1.70 करोड़ पार कर चुका है। बटगाम बनिहाल ट्रैक पर दौड़ने वाली स्पेशली डिजाइन विस्टाडोम कोच से कश्मीर घाटी के टूरिज्म को एक नया बूस्ट मिलेगा और बटगाम, श्रीनगर, अवंतीपुरा, अनंतनाग, काजीकुंड तथा बनिहाल स्टेशन पर रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे, समृद्धि की संभावनाओं के दरवाजे खुलेंगे। विस्टाडोम के मनमोहक एयर कंडीशन कोच की चौड़ी खिड़कियां, कांच की पारदर्शी छतें, आप में से बहुत लोग इसको देख सकते हैं। मनोरंजन और रोटेटिंग सीट, मनोरंजन और अपनी पसंद का भोजन मील, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब यात्री पहाड़ भी, वादी भी, हरियाली भी और बर्फ भी, सबका आनंद एक साथ ले सकेंगे। लोगों को, देश भर से आने वाले लोगों को कश्मीर घाटी एक नए रूप में देखने का अवसर इसके कारण प्राप्त होगा। इससे सभी स्टेशन से जुड़े शहर, कस्बे और गांव भी पर्यटन से जुड़ सकेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। शांति और समृद्धि ने आज आवाम की सोच में भी बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। ये सच है कि जितनी आकांक्षाओं की पूर्ति होती है उतने ही नए सपनों का जन्म होता है। हर एक नागरिक के सपने को पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर का प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमने कोशिश की है कि सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के खिलाफ प्रतिबद्धता से काम किया जाए और हर क्षेत्रों में एक नए आयाम जम्मू कश्मीर प्राप्त करे, इसकी कोशिश हो रही है। जिस रेल लाइन का जिक्र अभी रेल मंत्री जी कर रहे थे, मुझे बताया गया है कि इस वित्तीय वर्ष में ही कश्मीर कन्याकुमारी से रेल मार्ग के जरिए जुड़ जाएगा। मुझे लगता है कि वो हम सबके लिए एक अच्छा समय होगा और इसके कारण जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। मुझे उम्मीद है कि आज के विस्टाडोम कोच का लोकार्पण यहाँ की आवाम के सपनों को ऊंची उड़ान का लक्ष्य और जम्मू कश्मीर को पूरी तौर पर एक नई शक्ति देगा। मैं फिर से अश्विनी वैष्णव जी का धन्यवाद करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।
सर, हम सब काम कर रहे हैं।